हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। एंड दोस्तों, मैं ऑनलाइन क्वेश्चंस के माध्यम से एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर करा रही हूँ, जिससे आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट ना रहे, क्योंकि डीपली क्वेश्चन इस समय पूछा जाता है। और यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं, चाहे वो थ्योरी सेशन हो, वन लाइनर क्वेश्चंस हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, और मैंने बीपीएससी टीआई 2 में जो भी 80 से 85 क्वेश्चंस वीडियोज कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया हुआ है, वो सभी वीडियोज फिर से आप प्रैक्टिस करते रहिए। सभी वीडियोज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए हुए थे दोस्तों, आपको इसमें कोई शिकायत नहीं है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपका अभी बिहार या स्टेट जो फिजिकल एजुकेशन का है मार्च में होगा, उसके बाद प्रत्येक वर्ष आपको अगस्त में बीपीएससी का एग्जाम होगा टीचर्स का। एंड चाहे किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। रक्त परिसंचरण के बारे में थ्योरी सेशन आपको डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ना है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, जो दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है। रक्त भी संयोजी ऊतक है, हड्डी है, स्नायु है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सभी क्या है? संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, हृदय के दाएं नीले से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है? तो वह होता है पल्मोनरी धमनी, जिसे हम हिंदी में फुफ्फुसीय धमनी भी कहते हैं। और यह अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में जाता है, दाएं बाएं दोनों फेफड़ों में, वहां से शुद्ध होकर के पल्मोनरी सीरा के माध्यम से हृदय के बाएं अलिंद में आता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में आता है, बाएं नीले से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी यानी एरोटा में जाता है, फिर एरोटा के माध्यम से समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, जो सीरा होता है, वेन्स होता है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद क्या है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में आपको पता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, बट अपवाद है कि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट है, हृदय गति को किससे परिभाषित किया गया है? हृदय गति मतलब प्रति मिनट लिया जाता है धड़कन की मात्रा, तो प्रति मिनट दिल की धड़कन यानी संकुचन की संख्या को हम कहते हैं हृदय गति यानी हार्ट रेट, जो हमारा प्रति मिनट 72 होता है मिनिमम। एंड जब आप एक्सरसाइज करते हैं, क्रिया करते हैं, तो हमारा हार्ट रेट जो है 180 पहुंच जाता है। जब एक प्रशिक्षित खिलाड़ी या प्रशिक्षित व्यक्ति हो जाते हैं, तो 40 से 50 प्रति मिनट हार्ट रेट हो जाता है। नेक्स्ट है, हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो हृदय मांसपेशी तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम बोला जाता है, सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम बोला जाता है, मध्य परत को मायोकार्डियम, अंदरूनी परत को इंडोकार्डियम बोला जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज आयन महत्वपूर्ण भूमिका होता है? दोस्तों, तो खनिजों में बात करें तो रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम की असीम भूमिका होती है। एंड ब्लड सेल्स की बात करें कणिका की, तो प्लेटलेट्स यानी प्रोथ्रोम्बिन प्रमुख भूमिका अदा करती है रक्त को जमाने में। अगर ब्लड प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अब विटामिन की बात करें तो विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसका निर्माण यकृत में होता है, पाया जाता है रक्त में, प्लाज्मा में, याद रखिएगा, एकदम डीपली अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियल मायोपैथी का संबंध किससे है? तो कार्डियल मायोपैथी का संबंध कार्डियक अट्रॉफी से है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा हुआ था कि मस्क्यूलर अट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी, अट्रॉफी को ही हम डिस्ट्रॉफी कहते हैं। एंड एक होता है हाइपरट्रॉफी, जब लगातार अभ्यास के कारण या एक्सरसाइज के कारण हमारी मांसपेशी मजबूत और आकार में बढ़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मस्क्यूलर हाइपरट्रॉफी। और जब क्रिया रोग देने से कोई
एक्सरसाइज न करने से जो हमारी मांसपेशी जो है कमजोर और छोटी हो जाती है, उस कंडीशन को हम अट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अपने माइंड में बैठाए रखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC का मुख्य कार्य होता है जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई, यानी कि शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, जिसे बैक्टीरिया जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करता है WBC। नेक्स्ट है, रुधिर को थक्का बनाने में क्या सहायक है? तो रुधिर को थक्का बनाने में थ्रोम्बोसाइट सहायक है, जो ऑप्शन में दिया रहेगा। यदि थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रोनोजन, प्रथोम्बिन या प्लेटलेट्स, विटामिन के एंड कैल्शियम, इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा वो सही आपका रहेगा, जैसे कि मैंने आप पहले एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 6,000 से 10,000, यानी 5,000 से 11,000 प्रति घन मिमी होता है, ऑप्शन में जैसा आपका दिया रहेगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में जो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 6,000 से 11,000 होती है, या 5,000 से 11,000। और RBC की संख्या होती है 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन। प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से 5 लाख। और जीवन काल की बात करें तो RBC की जीवन काल 120 दिन, WBC का 3 से 5 दिन, प्लेटलेट्स का 10 से 12 दिन। एंड नेक्स्ट है, किसकी खराबी के कारण फुफ्फुस यानी कि फेफड़े शोक की स्थिति प्रकट हो जाती है? तो बायां हृदय, आपको पता है कि बायां हृदय में शुद्ध रक्त बहता है और दायां हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है। हमारा हृदय जो है 4 कक्षों में बटा हुआ है, ऊपर के 2 कक्ष को अलिंद यानी आर्टियल एंड नीचे के 2 कक्ष को निलय यानी वेंट्रिकल कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रचुर मात्रा में रक्त स्त्राव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम हेमरेज कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर ही धमनियों में ही रक्तवाहिनियों में ही रक्त जो है वो जम जाता है और जिससे नसें फट जाती हैं, उसे हेमरेज कहा जाता है। ये विटामिन के की कमी से होता है। एंड नेक्स्ट है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दाब के अंतर को नाड़ी दाब या पल्स प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट, एंटीजन का रासायनिक पदार्थ है, एंटीजन एक रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण किसका उत्पादन होता है? तो एंटीजन एक रासायनिक पदार्थ है जिससे हमारे रक्त वर्ग समूह निर्धारित किया जाता है, जो RBC में पाया जाता है। यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, साइनोएट्रियल नोड कहाँ स्थित होता है? जो हमारे दाहिने अलिंद होता है, पेशियों का गुच्छा होता है, और वहीं पे ऐसे नोड होता है जहाँ जब हमारा जो हृदय का संचालन केंद्र होता है वो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में स्थित होता है, जहाँ से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है हृदय को नियंत्रित करता है। वहाँ से जब जो उत्तेजना आती है सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड पर आती है, तो साइनोएट्रियल नोड को हृदय का पेसमेकर या हृदय गति नियंत्रक भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, एक रक्त एक उत्तक के रूप में जाना जाता है, इसमें अंतर कोशिकीय पदार्थ कैसा होता है? तो तरल रूप में होता है, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा रक्त होता है तरल रूप में होता है, और हमारा जो रक्त होता है 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा हमारे रक्त का 55% भाग होता है, जो द्रवीय भाग होता है पानी जैसा, और जो ब्लड सेल्स होता है वो ठोस भाग होता है, जिसमें 3 प्रकार के कणिकाएं, जो ब्लड सेल्स होता है हमारे रक्त का 45% और प्लाज्मा 55% होता है। ब्लड सेल्स में RBC, WBC, प्लेटलेट्स पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है, उच्च रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो उच्च रक्त शर्करा का स्तर जो है वह इंसुलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पैंक्रियाज के लंगरहांस कोशिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है।
नेक्स्ट है, सामान्य मानव में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों हमारा रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, यानी सिस्टोलिक जो होता है 120 और डायस्टोलिक 80। इससे ज्यादा हो जाता है यानी 120 से ज्यादा यानी 130 और 80 से ज्यादा यानी कि 90 तो वहां पे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो 120 और 80 से कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट है, एबी रक्त समूह कहा जाता है। तो एबी को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है और रक्त वर्ग ओ को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धमनी हृदय को रक्त आपूर्ति वहन करती है? तो दोस्तों जो हमारा कोरोनरी धमनी होती है वह हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है। कोरोनरी धमनी क्या करती है? हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है। जैसे कि जैसे ही बायां निलय जो है वह रक्त को पंप करता है तो एरोटिक वाल्व के रास्ते सबसे पहले जाता है महाधमनी में। अब महाधमनी जो एरोटा होती है इसकी कई सारे शाखाएं होती हैं और महाधमनी के द्वारा हृदय से सभी अंगों को रक्त भेजने का काम किया जाता है। तो महाधमनी का जो प्रथम शाखा होती है वो कोरोनरी धमनियां होती हैं जो हृदय को रक्त आपूर्ति करती हैं। उसके बाद फिर दूसरी शाखा निकलती है दाई और बाई कैरोटिड धमनियां जो शरीर के सिर और गर्दन के दोनों हिस्सों को खून पहुंचाती हैं। फिर तीसरी शाखा निकलती है दाई और बाई सब क्लेवियन धमनियां जो कंधों और भुजाओं को रक्त की आपूर्ति करती हैं। फिर उसके बाद आगे चलकर आंतरिक अंगों उदर क्षेत्र में एरोटा दो शाखाओं में बट जाती है, दाई और बाई इलियक धमनी जो पेल्विक क्षेत्र में स्थित अंगों को रक्त पहुंचाती है। फिर यही धमनियां आगे चलकर नीचे टांगों तक चली जाती हैं जो फीमोरल धमनी कहलाती हैं जो हमारे टांगों यानी पैरों तक रक्त पहुंचाती हैं, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है, किस प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने वाली क्रिया क्या है? तो किसी भी वो रक्तदाब होता है, क्या होता है? रक्तदाब। एंड नेक्स्ट है, खून का तरल भाग क्या कहलाता है? जो तरल भाग होता है दोस्तों वो प्लाज्मा कहलाता है, पूरे रक्त का 55% भाग होता है। जो ठोस भाग होता है रक्त कणिका यानी ब्लड सेल्स कहलाता है। जो रक्त का 45% भाग होता है ब्लड सेल्स में RBC WBC एंड प्लेटलेट्स होता है, जबकि जो हमारा प्लाज्मा होता है इसमें पानी प्रोटीन नमक एंड कार्बनिक पदार्थ होता है। प्लाज्मा में जो पानी होता है 90%, प्रोटीन 8%, नमक 0.9% एंड कार्बनिक पदार्थ 0.1% होता है। जो प्रोटीन होता है 8% प्लाज्मा में उसमें एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोथोमिन एंड फाइब्रिनोजन होता है। अब प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है पोषक तत्वों को जैसे कि नमक ग्लूकोज अमीनो एसिड को ऊतकों तक पहुँचाना और बेकार पदार्थ को जैसे कि यूरिया एसिड अमोनिया लैक्टिक एसिड CO2 को बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? दोस्तों तो प्रोटीन की बात करेगा तो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है प्रोथोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दोनों होता है। तो अनिवार्य प्रोटीन होता है रक्त का थक्का जमने में फाइब्रिनोजन, ठीक है, जिसका निर्माण होता है लीवर में लेकिन यह रहता है ब्लड प्लाज्मा में। नेक्स्ट है, हृदय की क्रियाओं का केंद्र क्या होता है? जस्ट बताई हूँ कि हृदय की क्रियाओं को संचालित करने का केंद्र होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, जिसमें से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हृदय गति को नियंत्रित करता है। जहाँ पे साइनोवेंट्रियल नोड जो है दाएं अलिंद में होता है, कोशिकाओं का गुच्छा जिसे पेस मेकर भी कहा जाता है जो हृदय नियंत्रक होता है, हृदय गति नियंत्रक पेस मेकर को कहा जाता है SA नोड को। तो हृदय की क्रियाओं का केंद्र कौन होता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव रक्त में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? तो मानव रक्त के बाद यानी रक्त में भी WBC में सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है नेट्रोफिल्स का, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? नेट्रोफिल्स का। WBC दो प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट यानी कणिका युक्त और कणिका रहित। जो ग्रेनुलोसाइट होता है 70-75% होता है जिसमें नेट्रोफिल्स बेसोफिल्स इओसिनोफिल्स, तो सबसे ज्यादा WBC होता है अधिक मात्रा में नेट्रोफिल्स। उसके बाद अग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आता है। लिम्फोसाइट जो होता है
वो 25% होता है, जो सबसे छोटी WBC कोशिका होती है लिम्फोसाइट, जिसे डी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करता है, बैक्टीरिया से रक्षा करता है। अब मोनोसाइट जो होता है 5% ओनली होता है, जो सबसे बड़ी WBC कोशिका होती है, और मोनोसाइट जो होता है बैक्टीरिया को खाता है, यानी बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करता है। जैसा कि मैंने बताया, जो एंटीबॉडीज होता है वो बैक्टीरिया को पहचानने का काम करता है। उसके बाद पहचानने का काम बैक्टीरिया एंटीबॉडीज करता है बैक्टीरिया को, और टी लिम्फोसाइट जो होता है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और बैक्टीरिया को खाने का काम, भक्षण करने का काम करता है मोनोसाइट्स। एंड नेक्स्ट है, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो आप सबको पता है, हृदय है। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन है? अभी जस्ट बताई हूँ, मोनोसाइट्स। एंड सबसे छोटी कणिका कौन है? तो लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट जो होता है वो कोशिका बैक्टीरिया को भक्षण करने का, यानी कि खाने का काम करता है, और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लिम्फोसाइट में उपस्थित टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एंड बैक्टीरिया की रक्षा करने का, पहचानने का काम करता है एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है, और जो आयरन के कारण ही हीमोग्लोबिन जो है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है, अभी जस्ट बताई हूँ। एंड आपका प्रोटीन की मात्रा 8%, एंड नमक की, सॉल्ट की मात्रा जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन होता है 0.9%, कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल में 0.1% होता है। एंड नेक्स्ट है, रक्त की अशुद्धियां किस भाग में जाकर छन जाती हैं? दोस्तों, फिल्टर करने का काम करता है ब्रिक, यानी किडनी, जो हमारे नेफ्रॉन नलिका होती है, ग्लोमेरुलस होता है, वहां पे जाकर के छनता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं? तो आप सबको पता है, प्रति मिनट हार्ट बीट्स जो होता है, हृदय धड़कन 72 बार होता है। जब हम कोई क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, कार्डियक एक्टिविटी करते हैं, उस कंडीशन में 180 प्रति मिनट हमारा हार्ट रेट हो जाता है। लेकिन जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उस समय हमारे हृदय का आकार बढ़ जाता है, और हमारा जो हार्ट बीट होता है वो 40 से 50 प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट है, थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स को वैज्ञानिक भाषा में हम प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, RBC को हम एथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना परसेंट होता है? जैसा कि आपको पता है, ब्लड जो है 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है रक्त का 55% भाग, द्रवी भाग होता है, एंड ब्लड सेल्स जो है रक्त का 45% भाग होता है। इस ब्लड सेल्स में भी जो RBC होता है वह कुल रक्त का 40% होता है, और रक्त कणों का, रुधिराणु का 99% भाग होता है। एंड नेक्स्ट है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाला रक्त का कितना परसेंट यकृत को, यानी कि लीवर को प्राप्त होता है? तो 28%। एंड 10% हृदय को जाता है, 15% मस्तिष्क को जाता है, एंड 25% 30% और सारे शरीर के अंगों में जाता है। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता का कारण क्या होता है? तो एनीमिया, रक्त अल्प, रक्त की कमी से एनीमिया हो जाता है, ये कारण होता है विटामिन B12 की कमी। नेक्स्ट है, एरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट, एंथ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं, तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? हमारे रक्त में पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट RBC को कहा जाता है, लिकोसाइट WBC को, एंथ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोला जाता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका WBC का दूसरा नाम क्या है? तो लिकोसाइट। RBC का दूसरा नाम एथ्रोसाइट।
प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट है, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का क्या नाम है? तो वह लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय होता है, जो हृदय का सबसे ज्यादा काम करता है। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है दोस्तों हार्ट मसल के द्वारा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके द्वारा होती है? हार्ट मसल्स के द्वारा। तो ब्लड प्रेशर कहते किसे? ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं? तो दोस्तों जैसे कि जब बायां निरय लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन पर रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है और उस समय जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसे रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि आपको पता है ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mmHg है, यानी 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक 80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं? जो बायां निलय के संकुचन के दौरान रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है जिसे 0.3 सेकेंड समय लगता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसे कि जब बायां निलय पुनः प्रकुंचित होता है यानी कि शिथिलन क्रिया होता है तो रक्त उसमें भरने लगता है बायां अलग से आकर के बायां निलय में, उस दौरान जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसमें 0.5 सेकेंड का समय लगता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? यानी बायां निलय से प्रति मिनट में जितना रक्त पंप किया जाता है हृदय से उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं, और एक बार में यानी एक धड़कन में जितना रक्त पंप किया जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो करीब 70 ml होता है। और इस प्रकार कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70, हार्ट रेट आपका प्रति मिनट 72, दोनों का आप गुणा करेंगे तो 5040 ml होगा, यानी कि 5.04 लीटर। यदि बोलेगा कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है प्रति मिनट तो 5.04 लीटर होता है। एंड ज्ञात करने का सूत्र बोलेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट, प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा बायां निलय से कार्डियक आउटपुट, एक धड़कन में निष्कासित रक्त की मात्रा एक बार में तो वो होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ग्लुकेगन। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज के लैंग्रहस दीपिका से अल्फा कोशिका से ग्लुकेगन हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी कि रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। नेक्स्ट है, शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? तो धमनियां क्या करती है? हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, तो हृदय से रक्त ले जाना। और शिराएं क्या करती हैं? वेंस हमारे शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं भाग दाएं अलिंद में ले जाती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को। अब यहाँ पे ओ नेगेटिव पॉजिटिव बोल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ओ नेगेटिव जो होता है वह सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है। एंड नेक्स्ट है, एनीमिया यानी रक्त की कमी का मुख्य कारण क्या होता है? तो वो होता है आपका हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी कब हो जाती है? जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग कैसा होता है? तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है इसलिए लाल रहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है इसलिए वो नीला कलर का होता है। नेक्स्ट है, रक्त में यूरिया की कमी, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार के कारण होती है? तो दोस्तों यूरिया बनाने का, रक्त को फिल्टर करने का काम हमारा गुर्दा यानी किडनी करता है। अगर उसमें कोई विकार आ जाएगा तो रक्त में यूरिया मतलब बढ़ जाएगा जिससे शुद्ध रक्त जो है अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये गुर्दे के विकार यानी कि किडनी के विकार के कारण होता है। नेक्स्ट है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? तो चार चैम्बर होते हैं, ऊपर के दो चैम्बर को अलिंद और नीचे के दो चैम्बर को हम निलय कहते हैं, तो ऊपर के दो चैम्बर को अलिंद कहा जाता है। नेक्स्ट है,
हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो लोहा की आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन से मतलब होता है प्रोटीन, यानी कि लोहा आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, किस रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। एंड नेक्स्ट है, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? तो ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है प्लीहा यानी स्प्लीन। जैसा कि आपको पता है जो लाइसोसोम होता है वह सफाई करने का काम करता है शरीर में, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए जाकर कहां मरता है? स्प्लीन यानी प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक दबाव का दायरा यानी रेंज कितना होता है? तो सिस्टोलिक दबाव, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वह 120-80 mmHg होता है, लेकिन एक दायरा रेंज की बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दायरा जो होता है 110-125 mmHg या 100-130 mmHg भी कह सकते हैं। एंड डायस्टोलिक प्रेशर का दायरा होता है 70-90 mmHg। एंड नेक्स्ट है, हृदय के किस चैम्बर से एरोटा जुड़ा रहता है? एरोटा यानी महाधमनी जुड़ा रहता है, तो बाएं वेंट्रिकल से यानी कि बाएं नीले से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप के समय यानी हाई ब्लड प्रेशर के समय किस भाग को, हृदय के किस भाग को कठिन कार्य करना पड़ता है? तो बाएं वेंट्रिकल यानी कि बाएं नीले को करना पड़ता है। नेक्स्ट है, निलय से आने वाले प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति यूनिट यानी प्रति मिनट की बात कर रहा है, तो हृदय आउटपुट यानी कि कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। यदि एक धड़कन की बात करें एक बार में तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाएगा। नेक्स्ट है, एक यमल यानी एक मिलीमीटर रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 3 लाख होती है। नेक्स्ट है, किस अंग में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है? तो पल्मोनरी, जैसे कि आपको पता है कि हृदय के दाएं वाले भाग में यानी दाएं अलिंद दाएं नीले में अशुद्ध रक्त होता है, और बाएं वाले भाग में बाएं अलिंद बाएं नीले में शुद्ध रक्त होता है, तो हमारे दिल यानी हृदय में होता है। नेक्स्ट है, हृदय गति को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो हृदय गति को कैसे, प्रति मिनट हृदय के धड़कन की मात्रा को ही हम कहते हैं हृदय गति यानी हार्ट रेट कहा जाता है। तो एक मिनट में हृदय के संकुचन होने की संख्या को हम क्या कहते हैं? हृदय गति यानी हार्ट रेट कहते हैं, जो प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। जब हम कोई एक्सरसाइज या क्रिया करते हैं तो प्रति मिनट 180 बार धड़कता है। जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं तो हृदय का आकार बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हमारा जो हार्ट रेट होता है 40-50 प्रति मिनट हो जाता है। नेक्स्ट है, एक संचलन का सही क्रम क्या है? तो रक्त संचलन जो क्रिया होती है जाने का, उसका सही क्रम क्या है? तो बाएं नीले जब संकुचित होता है तो एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, पहले हृदय से महाधमनी में, फिर महाधमनी छोटे छोटे पतली पतली नलिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है, यानी केशिका उसको कहा जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, हृदय की अतिवृद्धि क्या है? अतिवृद्धि का मतलब है कि निलय भित्ति, जो हमारी निलय की दीवारें होती हैं उसमें सामान्य चौड़ाई जो होती है वो बढ़ जाती है, उसको हृदय अतिवृद्धि यानी कार्डियक हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के सामान्य रुधिर यानी रक्त का अधिकांश भाग क्या होता है? तो अधिकांश भाग प्लाज्मा होता है 55% और 45% भाग हमारा रक्त ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, हृदय चारों ओर से किससे घिरा होता है? तो हृदय 3 मांसपेशियों की दीवारों से घिरा रहता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो बाहरी परत होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं या एपिकार्डियम भी बोलते हैं, जो 3 पतली पतली दीवारों से घिरा रहता है, जिसमें सेरस नामक द्रव भरा रहता है, और यह हमारे बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है, यहाँ 0.4 दिया है, ये गलत है, कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है एक बार धड़कने में। नेक्स्ट है, रक्त की एक बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है? तो रक्त कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है।
एंड खून की रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, तो आपको पता है घाव पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालना। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा क्या होती है लगभग, तो 5 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर, तो यहाँ पे 4.5 लीटर दिया हुआ है, लगभग 5 लीटर होता है, ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से। बाय एट्रियम और बाय वेंट्रिकल, यानी कि बाय अलिंद और बाय नीला के बीच कौन सा वाल्व होता है हृदय में, तो मिट्र यानी कि बाय कैस्पिट वाल्व होता है। आपको पता है कि हमारे हृदय में 4 दरवाजा होता है, यानी 4 कपाट होता है। दायां अलिंद और दायां नीला के बीच ट्राई कैस्पिट वाल्व होता है, और बायां अलिंद और बायां नीला के बीच बाय कैस्पिट या मिट्रल वाल्व होता है, और 2 वाल्व सेमिनल वाल्व होते हैं जो पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व दायां अलिंद और पल्मोनरी धमनी के बीच होती है, जहाँ से जिस वाल्व के रास्ते पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। एक होता है एरोटिक वाल्व, जो जब बायां नीला संकुचित होता है तो वहां से शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते जाता है महाधमनी में। तो एरोटिक वाल्व जो है बायां नीला और धमनी के बीच होता है, महाधमनी के बीच। इस प्रकार 4 वाल्व होते हैं, और बाइकैस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हृदय के किस भाग में रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है, तो वह होता है बायां वेंट्रिकल यानी कि बायां नीला से। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का संचरण करता है, ऑक्सीजन को परिवहन करता है, ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जहां पे कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है। कोशिकीय श्वसन में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होता है, अनएरोबिक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है, वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जिसमें 2 ATP का निर्माण होता है। फिर हीमोग्लोबिन ले जाता है ऑक्सीजन को हृदय के कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसके अंतर्गत 36 ATP का निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त को ऑक्सीजन मिलती है कहाँ से मिलती है, फेफड़ों से। नेक्स्ट है, एक धड़कन में हृदय द्वारा पंप की जाने वाले रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं, तो अभी जस्ट बताई हूँ, जब एक धड़कन में बात करें तो उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो 70 ml होता है, और 1 मिनट में बात करें तो कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। नेक्स्ट है, हृदय के ऊपर की परतों को बाहर से अंदर की तरफ क्रम में कैसे हम दर्शाएंगे, तो 3 परतों से, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम होता है। तो यहाँ पे हृदय के ऊपर की परतों को बाहर से अंदर की के सही क्रम है, तो बाहर से अंदर के सही क्रम होगा एपिकार्डियम यानी कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका हो जाएगा पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में पेराइटल द्रव होता है, और फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजनेटेड रक्त संचरण का क्रम क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले जब पल्मोनरी धमनी से जाता है रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में, वहां से पल्मोनरी सिराओं के रास्ते लेफ्ट आर्टिकल यानी कि सबसे पहले आता है बाएं अलिंद में, उसके बाद बाएं नीरे यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद एरोटिक वाल्व के रास्ते आर्टरी यानी महाधमनी में जाता है, फिर कैपिलरीज में जाता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, रक्त की मात्रा जो एक आघात द्वारा हृदय से बाहर की ओर धकेली जाती है वह क्या कहलाती है, तो उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, एक धड़कन के द्वारा, ठीक है, आघात आयतन या शॉक वॉल्यूम बोला जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, तो 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स होता है, तो इस प्रकार एवरेज आप निकाल सकते हैं 50 से 60%।
नेक्स्ट है हृदय की निचला प्रकोष्ठ यानी चैम्बर क्या कहलाता है, तो ऊपर के दो चैम्बर को हम अलिंद यानी ऑरिकल कहते हैं एंड नीचे के दो चैम्बर को हम नीला यानी वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार चार चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो चार चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120-80 होता है, 120-80 mmHg। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हृदय की दाहिनी अलिंद यानी वेंट्रिकल, अलिंद को वेंट्रिकल नहीं कहते हैं दोस्तों, ऑरिकल कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ मिस पॉइंट है, तो हृदय के दाहिने अलिंद से रक्त बहता है, तो यहाँ पे दाहिने अलिंद नहीं दाहिने निलय होना चाहिए। ठीक है, तो दाहिने अलिंद निलय से रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी में। ठीक है, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाता है यानी पल्मोनरी धमनी के द्वारा जाता है रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारे अस्थियों के जो बीच वाला भाग होता है, खोखला वाला भाग जिसे हम हाइवर्सियन नॉल कहते हैं, उसी में अस्थि मज्जा होता है बुन मैरो, उसी से रक्त का निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट है हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस आर्टरी यानी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है, आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी के द्वारा। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। एंड रक्त वर्ग की खोज कार्लन स्टेनर ने किया था और परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 से 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है सिरा यानी वेन्स रक्त को किस ओर ले जाती है, तो सिराओं की बात करें तो हमारे शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाती है जो दाएं अलिंद में जाकर के छोड़ती है, और जो धमनियां होती हैं हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंगों की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट है रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को सप्लाई करती हैं हमारे शरीर के समस्त अंगों में। नेक्स्ट है हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो हृदय तीन मांसपेशी की परत से बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम के एपिकार्डियम भी बोला जाता है, तो बाहरी परत को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके अंदर सेरस नामक द्रव भरा रहता है और यह हृदय के बाहरी आघातों से रक्षा करती है। नेक्स्ट है हाँ आंटी टमाटर, आंटी तो एक कट टमाटर है बस। नेक्स्ट है हृदय की अंदरूनी परत को क्या कहते हैं, तो अंदरूनी परत को एंडोकार्डियम कहते हैं, मध्य परत को मायोकार्डियम। नेक्स्ट है सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी को सबसे बड़ी धमनी कहा जाता है, फिर उसी से कई शाखाएं निकलती हैं, प्रथम शाखा कोरोनरी धमनी निकलती है जो हृदय को रक्त सप्लाई करती है। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्टियल आर्टिकल के मध्य कौन सा कपाट होता है, तो ट्राइकैस्पिड, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टियल के बीच बाइकैस्पिड या मिटर वाल्व होता है। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट का सूत्र क्या है, तो अभी जस्ट बताएंगे हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वैल्यू। नेक्स्ट है एंड्योरेंस स्पोर्ट्स यानी सहनशीलता वाला खेल में दक्ष खिलाड़ी का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है, तो जो हम अभी बताए हैं कि नॉर्मली 70 से 72 बार होता है, लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हैं तो 180 प्रति मिनट हो जाता है, लेकिन जब एंड्योरेंस स्पोर्ट्स यानी सहनशीलता वाला एक प्रशिक्षित खिलाड़ी होता है तो 40 से 45 यानी 40 से 50 बार यानी इसको हम एवरेज कर सकते हैं 40 से 45 बार धड़कता है। नेक्स्ट है एक अच्छे खिलाड़ी यानी प्रशिक्षित खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है, तो हृदय का भार जैसे आप जानते हैं कि 300 से 350 ग्राम होता है, लेकिन एक डेली एक्सरसाइज एंड डेली प्रशिक्षित खिलाड़ी होता है और उसका हृदय का भार 500 से 550 ग्राम होता है। नेक्स्ट है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी आर्टिकल के मध्य कौन सा वाल्व होता है, तो जो राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय और पल्मोनरी धमनी दोनों के बीच होता है सेमिलुनर वाल्व जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, और बायां निलय और महाधमनी के बीच होता है एरोटिक वाल्व यानी चार वाल्व होते हैं। नेक्स्ट है रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन एंड पोषक तत्वों की सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय से फेफड़ों तक ले जाना आदि कार्य होता है।
नेक्स्ट है हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो मध्य वाला परत जो अंतिम वाला परत होता है, जैसे कि कई पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, सबसे मोटी मांसपेशी परत होती है एंडोकार्डियम, जिसके अंदर चारों दो अलिंद दो नीले होते हैं। नेक्स्ट है बायां नीले के संकुचन के द्वारा जो रक्त एरोटा में बलपूर्वक प्रवाहित होता है, ऐसे इस रक्त के बढ़े हुए दाब को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब बायां नीले से रक्त पंप किया जाता है तो उस समय जो धमनियों पर दाब पड़ता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड नेक्स्ट है जब बायां नीले से रक्त मिट्रल वाल्व के रास्ते बाएं अलिंद से आता है, उस दौरान रक्त दाब धमनियों पर जो घट जाता है उसके न्यूनतम दाब को क्या कहते हैं, उसके डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है बार बार अभ्यास करने से खिलाड़ी का हृदय बड़ा व मजबूत हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो उसे एथलीट हार्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक अभ्यास का श्वेत रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब हम अभ्यास करेंगे तो सब कुछ की मात्रा बढ़ेगा, तो श्वेत रक्त कणिकाओं की भी मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है शारीरिक अभ्यास के कारण लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होती है, तो जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही लैक्टिक एसिड कम होगा, उतना ही थकावट कम होगा, उतना ही हम ज्यादा समय तक क्रिया कर लेंगे तो लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होती है, घटती है, क्योंकि थकावट किसके कारण होती है, लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट है लगातार अभ्यास के कारण रक्त में शुगर की मात्रा क्या होती है, तो घटती है। एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं, तो पल्स प्रेशर यानी नाड़ी दाब कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता। एंड नेक्स्ट वीडियो रहेगा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से, एंड इसी तरह आपको सभी टॉपिक कवर कराया जाएगा, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।